नमस्कार दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव में परिवर्तन कर देते हैं और आपके आचार विचार भी बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से आपकी सोच पर बहुत ज्यादा परिवर्तन पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगी ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है महिलाएं हो या फिर पुरुष, अगर चार पांच एक ही जगह पर बैठ जाएं तो एक दूसरे की बुराई ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमेशा महिलाओं को तो ज्यादातर देखा जाता है। यदि महिलाएं जहाँ चार से पांच एक साथ बैठी हों तो एक दूसरे की बुराई करती हैं और उस बुराई को वह एक साथ एंजॉय भी करती हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि चाहे सुबह हो, शाम हो या फिर दोपहर हो, एक जगह बैठकर मंडली बनाकर बैठ जाते हैं और वहाँ एक दूसरे की बुराई करते हैं या फिर उनकी बहुओं की बुराई करते हैं और उस बुराई को लेकर एक दूसरी उस बात को एंजॉय करती है कि अच्छा तेरी बहू ऐसे करती है, तेरी सास ऐसे करती है, या फिर कोई भी बात को लेकर वह एक दूसरे के साथ ही शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो यह बातें आपके मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है जिससे कि आपके अंदर नकारात्मकता की प्रवृत्ति आती है और आपके जीवन में जो भी आप पाने की शंका रखते हैं वह आपको बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो इन चीजों से दूर रहें। नंबर दो, आप किसी पर डिपेंड ना रहें। अक्सर देखा जाता है यदि आप छोटे हैं और आपसे घर में कोई बड़ा है या फिर बड़ी है तो आप हमेशा उस पर डिपेंड रहते हैं कि काम करने वाली है वो वह कर लेगी, वह कर लेगी या फिर कर लेगा। अक्सर देखा भी जाता है कि हमेशा वह व्यक्ति अगर किसी पर डिपेंड रहता है तो उसके कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाते हैं क्योंकि अक्सर वह उस चीज पर ढील छोड़ देता है कि वह काम वह मेरा बड़ा भाई या बड़ी बहन कर देगी और उसकी वजह से वह उस पर ढील छोड़ने के बाद उस कार्य को हमेशा ध्यान से ना करने पर हमेशा मार खाता है और अपने फ्यूचर को लेकर डुबो देता है। नंबर तीन, अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति अंदर है और जो व्यक्ति हमारे बाहर है उसे हमेशा कंपेयर किया जाता है। आप अपने आप को मिरर में देखते हैं और मिरर में देखने के बाद आप खुद ही सोचते हैं क्या मैं ऐसा दिखता हूँ या फिर ऐसे दिखती हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ या फिर कैसी हूँ। हमेशा इस बात को जज करने में बहुत टाइम लगा देते हैं और यदि आपने के सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपसे कह दिया कि आप सुंदर नहीं हो तो आप हमेशा उस चीज को लेकर बैठ जाते हो कि हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ और इस बात को लेकर हमेशा यही लगता रहता है कि आप हमेशा उस बात को ऐसे दिल पर लगा लेते हैं कि उस बात को इतना सच मान लेते हैं कि चाहे वह अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर उस व्यक्ति ने आपसे कह दिया कि आप सुंदर नहीं हो तो आपको वह बात सच लगती है और यदि आपकी चीजों को लेकर वह कह देता है कि आपकी ये बुरी आदत है तो वह भी आपको अच्छी लगने लगती है क्योंकि आपको वह बता चुका है कि आपकी यह बुरी आदत है जिसकी वजह से आप हमेशा उस बात को लेकर हमेशा अफसोस करते हैं। नंबर चार, यदि आप किसी बात को लेकर तंज खाए बैठे हैं या फिर कोई आपका टोन कस चुका है तो आप उस बात को लेकर भी अफसोस रहते हैं या फिर आपके हाथों कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिस बात को लेकर आप जिंदगी भर तक अफसोस मनाते हैं कि अगर मैं टाइम पर पहुंच चुका होता तो वह कार्य मेरा आज हो चुका होता या फिर कार्य संभव हो चुका होता। लेकिन यदि आप उस बात को छोड़कर अगले कार्य को अपने सही से करते हैं और समय से करते हैं तो वह कार्य कभी नहीं छूटेगा और जिसकी वजह से आपका जो भी कार्य है उसमें सफलता मिलेगी। नंबर पांच, अक्सर देखा जाता है कुछ लोगों का मन तो कुछ कहता है लेकिन दिमाग कुछ और कहता है। अगर दिमाग ने कहा कि आपको ये कार्य करना है या फिर आपको फ्यूचर में इस लाइन में जाना है तो आपका फोकस उस पर ना रहकर किसी और चीज पर हो जाता है या फिर अगर आपकी जीएफ है तो आपकी पढ़ाई में ध्यान ना लगकर आपकी जीएफ पर ध्यान चला जाता है या फिर बीएफ पर ध्यान चला जाता है जिसकी वजह से जो आपका फोकस आउट हुआ है उसकी वजह से आपको अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो ये हैं कुछ ऐसी चीजें जिन पर आपको ध्यान नहीं देना है और ये बुरी आदतें आपको छोड़नी है। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।